सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बेसिकली आज की वीडियो में हम बेसिकली ही लाइव ही आए हैं। ओके, सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा सकते हो। ओके, सो गाइस, सबसे पहले अगर हम आज के ट्रेड के एग्जीक्यूशन की बात करें कि हम कैसे आज ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, तो एक अच्छी खासी यार अपॉर्चुनिटी है आज ट्रेड लेने की मार्केट में। बिकॉज एक छोटा सा इंट्राडे में आप ट्रेड ले सकते हो इसके अंदर। बिकॉज आज का जो इकोनॉमिक डेटा रिलीजमेंट है वो 11:30 बजे का US टाइम जोन से डेटा रिलीजमेंट है और 11:30 बजे बज चुके हैं। और जो डेटा रिलीज हो रहा है आज, वो 3 मंथ बिल ऑक्शन का डेटा रिलीज हो रहा है प्लस 6 मंथ बिल ऑक्शन का डेटा। सो इसके अंदर, इस डेटा के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो डेटा है ना, ये बेसिकली बॉन्ड मार्केट की तरफ एक रिफ्लेक्शन करता है कि जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो कितना उठा हुआ है या गिरा हुआ है। ओके, सो बॉन्ड का जो ये प्राइस है, ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है यानी कि रिपोर्ट है, डेटा है, ये बेसिकली बताता है कि 3 मंथ्स के अंदर बॉन्ड के जो यील्ड्स है उसके अंदर का क्या प्राइस फ्लक्चुएशन आया है। ओके, सो गाइज, अगर आप बॉन्ड्स को जानते नहीं हो कि बॉन्ड्स होते क्या है, सो बेसिकली गाइज, बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पर्टिकुलर या तो कॉरपोरेट, जो हमारी बेसिकली कंपनीज होती है वो इशू करते हैं इनिशियल फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इनिशियल फेज में अगर उनको बेसिकली मनी चाहिए या फिर लोन चाहिए तो वो कंज्यूमर, जो बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके सामने ये अपने बॉन्ड रेस करते ताकि उनको लोन मिल सके और उन लोन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। ऐसे जो बेसिकली जो ये बोरोवर का पार्ट है गवर्नमेंट्स का, ये बेसिकली एक फंक्शन है जहाँ से ये गवर्नमेंट बेसिकली अपना कैपिटल को राइज करती है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ये जैसे हमें, जैसे पर्टिकुलर अगर जैसे कोई इंडिविजुअल हुआ उसके लिए ये बॉन्ड रेस करेगी, और अगर बेसिकली हमारी जैसे गवर्नमेंट है और उसको बेसिकली ज़्यादा कुछ लाखों करोड़ों तक का लोन चाहिए तो वो बेसिकली सेंट्रल बैंक के पास जाके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को दे सकती है, होल्ड कर, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करके सेंट्रल बैंक को दे सकती है। तो उसी के प्राइस के अंदर बेसिकली हमें कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा फंड्स होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड का अगर प्राइस ऊपर उठेगा तो हम जो उसका पर्टिकुलर यील्ड होता है तो वो गिरेगा। और अगर आपको नहीं पता कि यील्ड क्या होता है, यील्ड बेसिकली पर्टिकुलर हर बॉन्ड के साथ, जो हमारी बेसिकली गवर्नमेंट होती है वो कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट देती है पर्टिकुलर हर एनुअली बेसिस के साथ, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैं डीपली आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो ये डेटा है ना ये पूरा मार्केट अफेक्ट करेगा हमारा, और बेसिकली ये जो डेटा है ये निकल के आ चुका है। ओके, सो गाइस, अभी हम देख लेते हैं कि क्या हमारी कैसे एक अच्छी खासी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि हम यील्ड के फ्लक्चुएशन रेट पे जाते हैं कि कितना हमें पता लगेगा। ओके, सो गाइस, सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे खोल ले तो हम देख लेते हैं कि बॉन्ड के जो बेसिकली ये डेटा निकल के आया है इससे मार्केट पे कितना हमें बेसिकली कुछ मूवमेंट देखने को मिला है, तो हम वो ही देख लेते हैं और आज हम इस बेसिस पे ट्रेड लेंगे मार्केट में। ओके, सो गाइस, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम मार्केट के अंदर अब ट्रेड लेंगे। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम कुछ टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ही इस मार्केट में हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे ट्रेड ले सकते हो एक इंट्राडे के अंदर, एक शॉर्ट बेसिकली बाय करके। बिकॉज जो बॉन्ड यील्ड्स का जो बेसिकली अभी डेटा निकल के आया है वो जिन्होंने बेसिकली जो मार्केट है उसने एक पॉजिटिवली ही बिहेव करा है, ठीक है। सो बॉन्ड यील्ड के जो बेसिकली डेटा निकल के आया कि कितना बॉन्ड के यील्ड में कितना प्राइस का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है, अगर बॉन्ड का यील्ड अगर बेसिकली पॉजिटिव यानी कि ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एक बॉन्ड मार्केट के लिए एक अच्छी, ऑल ओवर मार्केट के लिए अच्छी बात है। बिकॉज जो बेसिकली बॉन्ड मार्केट के अंदर जितने भी हमारे बेसिकली बिग प्लेयर्स हैं यानी कि बैंक्स हो गए, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। सो जो बॉन्ड यील्ड का जो यील्ड होता है ना, अगर किसी बस पर्टिकुलरली अगर बॉन्ड का जो यील्ड होता है ना वो फिक्स रहता है, लेकिन जो प्राइस है उस प्राइस से बॉन्ड यील्ड का प्राइस गिर सकता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थली बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप एक छोटे ट्रेड के अंदर यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम BTC की बात करते हैं कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो BTC के अंदर। सो BTC का आप SL रख देना यहाँ पे करीब जितना बेसिकली 30,358 के समथिंग आप इसके अंदर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो। SL लगा देना यार, छोटा ही ट्रेड लेना रिस्क मैनेज करके, 30,358 के करीब SL लगा देना। देन अगर हम इसका बेसिकली बात करी जाए कि कैसे आप इसके अंदर एक लॉन्ग कैसे बना सकते हो, सो गाइस 15 मिनट्स के टाइम पीरियड पे अगर ये कैंडल जहाँ भी क्लोज होती है, बुलिश ही कैंडल क्लोज होती है, तो आप एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड रख के एक अच्छा खासा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ओके, सो हम इसका SL रखेंगे समथिंग यहाँ पे
समथिंग 30,356 के करीब। ओके, अब देखो मार्केट में कितना हमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिल पाता है। अगर गाइज 1:1 और 1:2 भी मिल जाता है तो आप एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ठीक है, इतना BTC मुझे लगता है कि इतना अपना दे देगा, इतना तो कम से कम टारगेट बना के दे देगा BTC। देन गाइज अगर हम इथेरियम की बात करी जाए तो इथेरियम में भी आप एक अच्छा खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रख सकते हो। देन अगर हम इसके अंदर SL की बात करी जाए तो SL का जो आप रखोगे SL गाइस इसके अंदर रख देना 1,800 1,886 100 डॉलर्स के करीब का। ठीक है, ये आपका SL होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा देना इतने पे। इस पे भी आप 1:2 तक का तो इजीली वे में टारगेट अचीव कर सकते हो, बिकॉज इथेरियम का जो मार्केट है थोड़ा सा यार बेसिकली वॉलेटाइल ही रहता है, और थोड़ा सा यहाँ पे हमें अच्छा खासा बायर्स एग्रेसिव प्ले होते हुए इसमें थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो यार बॉन्ड यील्ड की जो बेसिकली न्यूज़ है थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करेगा यार मार्केट, और हमें मार्केट अफेक्शन पे ही ट्रेड लेना है, क्योंकि यहीं से हमें थोड़ा मूवमेंट और डायरेक्शन मिल जाता है। लेकिन जो अगर हम इस बेसिकली बॉन्ड यील्ड के जो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक डेटा निकल के आया है इसके अंदर हमें ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि पूरा मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर ये ज़्यादा नहीं रखता है। ओके, सो यही कि बॉन्ड यील्ड के प्राइस में अगर अच्छा खासा बॉन्ड यील्ड का प्राइस का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये पॉजिटिव शो करता है मार्केट के लिए। ठीक है, जो कि यार अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड अगर 3 बॉन्ड यील्ड के प्राइस के बिल ऑक्शन का अगर हम अपनी डेटा रिपोर्ट देखें तो यार बॉन्ड यील्ड जो है वो हमारा 5.180% तक का बढ़ के आया, जो कि यार एक पॉजिटिव बात है। आपको पता है यार 3 मंथ से बेसिकली जो हमारा कोर CPI और CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पॉजिटिव हो गया है। देन कोर CPI भी यार हमारा पॉजिटिव हो गया है। ओके, और अगर हम 6th मंथ बिल ऑक्शन की बात करी जाए कि सिक्स यानी कि पूरे एक क्वार्टर फेज 2 क्वार्टर फेजेस में बॉन्ड यील्ड के प्राइस में कितना इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन आया है तो 5.215% तक का आपको बॉन्ड यील्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, जो कि यार पॉजिटिव है ऑल ओवर मार्केट के लिए, और मार्केट ने इसका पॉजिटिव ही बिहेव करा है। सो गाइज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही वेट करना और एक अच्छा खासा आप इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसके अंदर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रख सकते हो बॉन्ड यील्ड के प्राइस के फ्लक्चुएशन में। बट इथेरियम तो मुझे लग रहा है यार ये थोड़ा सा लंबा ही ट्रेड टारगेट दे सकता है आपको। ठीक है, देन अगर हम XRP की बात करी जाए तो XRP में भी आप एक अच्छी खासी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। सो मैं इसके अंदर भी आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ट्रेड लोगे। ठीक है, सो आप SL रख सकते हो बेसिकली, इसके अंदर का SL आप रख सकते हो अराउंड समथिंग 0.48358 के करीब आप इसमें SL लगा सकते हो। ओके, देन अगर आप इसके अंदर टारगेट देखोगे तो पहले तो गाइज यार SL लगा के इसके अंदर पहले एक अच्छी खासी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले लेना। ओके, अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही वेट करो कैंडल कहाँ क्लोज होती है और वहीं पे एक मार्केट एग्जीक्यूशन कर देना, बट SL रखना अपना 0.48358 के करीब। ओके, सो यहाँ से आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और 1:1 और 1:2 तक का टारगेट अचीव हो जाता है तो ट्रेल करके यार निकाल देना। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा। देन अगर हम शिवा की बात करी जाए तो शिवा में भी आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रख सकते हो। देन अगर इसका बेसिकली SL रखना हो तो वो 0.00007 60 के करीब रखोगे, और अगर आपको इसमें टारगेट बनाना है तो टारगेट का भी हम देखते हैं, बिकॉज अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल जहाँ क्लोज होती है हमें वहीं पे मार्केट ऑर्डर लगा लेना है, एग्जीक्यूशन कर देना है। ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही है, और SL रखना है इस कैंडल पिछली कैंडल का लो पे। ठीक है, और इसमें भी आप 1:2 तक का यार इजिली वे में टारगेट बना सकते हो। ओके, सो मैं ये सारे आपको अपडेट देता रहूंगा यार अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना यार अच्छे खासे बेसिकली हम सिग्नल्स अपलोड करते हैं यार आपके लिए। ओके, अच्छे खासे मतलब देता तो मैं लाइव ही ट्रेड से आपको दूंगा आपसे मैं। ठीक है, और आपको बेसिकली क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। पिछले के जो मैंने ट्रेड्स दिए हैं यार आपको बहुत ज़्यादा, जैसे हाउसिंग रिपोर्ट्स पे मैंने आपको ट्रेड दिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग बिल्डिंग रिपोर्ट्स का जो इकोनॉमिक डेटा रिपोर्ट्स आया था तो उस पर हमने कैसे ट्रेड करके एक अच्छा खासा बेसिकली 1:2 तक का तो प्रॉफिट बुक कर लिया था। देन शिबा का मैंने बता दिया, अगली जो कैंडल होगी उस पर आपको ट्रेड ले लेना है, और जो SL रखोगे आप प्रीवियस कैंडल का रखोगे, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम और एक डायरेक्शनल ट्रेंड बन सकता है। ओके, सो गाइज अगर हम डोज कॉइन के बारे में देखें तो डोज कॉइन में आपका कैसे बेसिकली ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रख सकते हो, तो इसके अंदर आप SL लगा देना अराउंड 0.06 के करीब का। ओके, देन और अगर आप इसमें टारगेट बनाने की सोच रहे हो तो SL बेसिकली स्टॉप लॉस इसमें रख देना अराउंड जितना मैंने प्रीवियस कैंडल का बनाया 0.065981 के करीब का, और जो नेक्स्ट का जो मार्केट का अपॉर्चुनिटी बन रहा है ट्रेड एग्जीक्यूशन का आप इसके अंदर लग सकते हो। ओके, सो गाइज अब देखो क्या होता है मार्केट में। अगर आप चाहते हो कि ये लाइव स्ट्रीम थोड़ी मैं लंबी रख लूँ तो बेसिकली देख लो।
ओके, मैं रख सकता हूँ इस लाइव स्ट्रीम को थोड़ा लंबा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कितना हमारा रिक्स्टो रिवार्ड बना है, ठीक है, अगली कैंडल का। सो आप जो ये रिक्स्टो रिवार्ड मैनेजमेंट है रख सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे जो बनता है, ठीक है। और अच्छा खासा टारगेट ले लेना यार, क्योंकि अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिख रहा है अपवर्ड्स की तरफ ही है, और बॉन्ड मार्केट का जो ये डेटा निकल के आया, तो डेटा तो यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ तो देगा यार मार्केट में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सो सबका रख लेना है, ठीक है। सो आई होप यार आपको बेसिकली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को यार बेसिकली सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो लाइव स्ट्रीम आई होप चल रही होगी, ठीक है। सो एक बार मैं चेक कर देता हूँ कि लाइव स्ट्रीम ओके है सब। सो लाइव स्ट्रीम आई होप चल रही। सो गाइज सब ठीक है। सो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी हम बेसिकली ट्रेड का अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। आप यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड ले सकते हो मार्केट के अंदर, ओके। सो गाइज वीडियो में इतना ही, ओके, और बस इतना ही यार वीडियो में, ठीक है। सो गाइज वीडियो में इतना ही, ओके, गुड बाय।